हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाइथन, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बारे में। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, चलिए शुरू करते हैं। पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, और पाइथन जो है वो बनाया गया था ग्यूडो वैन रसम के द्वारा 1989 में, लेकिन इसका फर्स्ट रिलीज आया था 1991 में, जिसका पहला वर्जन था इसका 0.9.0। ठीक है, और अभी इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.8.4। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे इंटरप्रेटेड क्यों बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, और स्क्रिप्टिंग भी क्यों बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसे क्यों बोलते हैं? ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पहले होता क्या है? ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो एग्जीक्यूट वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है बिना कंपाइल किए हुए कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जैसे आपका PHP हो गया, रूबी हो गया, पर्ल हो गया और पाइथन, इसमें आपको कंपाइल करने की ज़रूरी नहीं पड़ती। जैसे कि जावा में आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हो तो उसे आपको कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जैसे हमारा जो सोर्स कोड होता है, जैसे कि पाइथन है, तो पाइथन का हम यहाँ जैसे लिख देते हैं a.py फाइल। ठीक है, तो जैसे जावा फाइल हुआ, तो वो जैसे सोर्स कोड हमारा है ये। ठीक है, सोर्स कोड जब हम रन करते हैं कोई भी प्रोग्राम, तो वो सोर्स कोड है तो वो लेक्सर में कन्वर्ट होता है। लेक्सर क्या होता है? एक तरह का वो क्या करता है, आपके कोड को टोकन्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, लेक्चर जो है आपके कोड को टोकन्स में डिवाइड करता है। उसके बाद क्या होता है, लेक्चर के बाद वो सीधे जाता है पार्सर के पास टोकन्स में डिवाइड होकर, और पार्सर क्या करता है, इसका एक ट्री बनाता है। पार्सर इसका एक ट्री बनाता है, उस टोकन्स का एक ट्री बनाता है, कैसे कैसे कोड काम कर रहा है, और उसके बाद वो कंपाइलर के पास जाता है कंपाइल होने के लिए कोड। ठीक है, और उसके बाद इंटरप्रेटर के पास जाता है, तब इंटरप्रेटर क्या करता है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज मीन्स इसको बाइट कोड में ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या होता है, एक तरह का ट्रांसलेटर का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसे, और यहाँ देखिए पाइथन में कंपाइलर का जरूरी नहीं पड़ता। ये जैसे जैसे देखिए, अगर आप जावा का कोड लिखेंगे तो जावा का कोड सबसे पहले लेक्चर में मतलब टोकन्स में डिवाइड होगा। टोकन्स में डिवाइड होने के बाद ये एक ट्री बनाएगा। ठीक है, सिंटेक्स ट्री क्रिएट करेगा, उसके बाद ये कंपाइलर से कंपाइल होगा, तब ये इंटरप्रेटर के पास जाएगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका ट्रांसलेट करता है इसे बाइट कोड में, मतलब कि मशीन लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर देता है, तब आपका प्रोग्राम रन होता है। लेकिन यहाँ पे पाइथन में आपको कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पाइथन में आप डायरेक्ट इंटरप्रेटर के पास चले जाते हो, डायरेक्ट रन करते हैं, सो आपको इसमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बोलते हैं पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं? पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए बोलते हैं कि पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें सब कुछ जो है, इसमें सब कुछ एक क्लास है। ठीक है, जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन पाइथन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन जो है जो भी कुछ भी है, ठीक है, एवरीथिंग कम फ्रॉम द क्लास। पाइथन में जो कुछ भी, अगर आप वेरिएबल भी बनाते हो तो वो भी एक क्लास में आता है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। जैसे अगर हम लेंगे a इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, तो a इज इक्वल टू 5 लिख, तो आप यहाँ अगर लिखोगे टाइप
टाइप ए। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ आएगा क्लास इंट, ये मतलब कि एक इंट क्लास का है, जो भी ये वेरिएबल बना रहे हो एक क्लास में आ रहा है। इसलिए पाइथन एक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका एक मास्टर, जैसे कि और इसका जितना भी डाटा टाइप है सबका सब क्लास में है, ओके। और इसका मास्टर क्लास क्या है? टाइप। सारे क्लास का एक मास्टर क्लास है जिसे हम टाइप बोलते हैं, ठीक है। और ये मतलब कि सारे डाटा टाइप से सिमिलर है ये। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, क्यों इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन आईडी खोलेंगे। जैसे मैं बता रहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में कि सब कुछ क्लास है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैं ये नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और वैल्यू 5 दे रहा हूँ। तो आप प्रिंट ए करोगे तो वैल्यू आ रहा है 5, ठीक है। तो आपको पता करना है ये ए क्या है, ठीक है, कौन सा क्लास है ये। तो आप अगर लिखोगे यहाँ पे टाइप ए, ठीक, क्लास इंट का है, ठीक है। फिर आप ये देखो इंट, इंट कहाँ से आ रहा है, ठीक है, आपको इंट ये पता करना है। फिर आप लिखोगे टाइप इंट, आपको बता देगा कौन किस क्लास का है, ठीक है। ये देखिए ये टाइप क्लास का है, तो यहाँ क्या हो, मास्टर क्लास हुआ टाइप, ठीक है। अगर आप टाइप क्लास भी लिखते हो तो टाइप टाइप लिखो, टाइप टाइप लिखेंगे तो भी ये देखिए टाइप क्लास का है। तो यहाँ मास्टर क्लास हो गया टाइप, ठीक है। हर डाटा टाइप का एक क्लास है जिसे मास्टर क्लास बोलते हैं, उसका नाम है टाइप, ठीक। इसलिए पाइथन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि इसका जो डाटा टाइप है वो भी एक क्लास में है। खैर आप समझ गए होंगे शायद। इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह का होता है, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। लो लेवल में हो जाता है बाइनरी कोड, ठीक है, 0101 वो वाला। और यहाँ पे हो गया हाई लेवल, हाई लेवल दो तरह का होता है, ठीक। हाई लेवल दो तरीके का होता है, जिसमें आपका आ जाता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड में आपका HTML, CSS, JavaScript, ठीक है, jQuery, ये सब हो गया क्लाइंट साइड में, ठीक है। और सर्वर साइड में आ जाते हैं आपको C#, Java, Python, ये सब आपको सर्वर साइड में आ जाते हैं, ठीक है। C#, Java, Python, ये सब सर्वर साइड में आ जाते हैं। तो क्लाइंट साइड में आ गए HTML, CSS, JavaScript, ये सब क्लाइंट साइड में आ गए। और सर्वर साइड में हो गया जावा, पाइथन, PHP, पर्ल और बहुत सारे जो लैंग्वेज है वो सब आ गए सर्वर साइड में। और इसमें देखिए जैसे जावा सर्वर साइड में जो होते हैं, जैसे कि जावा हो गया, ये आपको कंपाइलर लैंग्वेज हो गया, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज हो गया, ठीक है। इसमें कंपाइलर के जरिए ये पाइथन इंटरप्रेटेड हो गया, PHP ये भी इंटरप्रेटेड हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, स्क्रिप्टिंग। तो इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या मतलब, जो कंपाइलर की मदद से नहीं चलता है, डायरेक्ट इंटरप्रेटर के थ्रू चलता है, ठीक है। मतलब कि प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें कंपाइल करना पड़ता है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को, लेकिन बट वी नीड टू कंपाइल प्रोग्राम फॉर
बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब कि एग्जीक्यूशन के पहले हमें इसे कंपाइल नहीं करना पड़ता, उसे बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। और स्क्रिप्टिंग क्यों है, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या क्या आता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। दो तरह के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्लाइंट साइड, सेकंड सर्वर साइड, ठीक है। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, तो क्लाइंट साइड में आ जाता है HTML, जावास्क्रिप्ट इत्यादि, ठीक है। और सर्वर साइड में आपका आ जाता है, इसका फॉन्ट में थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। और सर्वर साइड में आ जाता है, सर्वर साइड में आ जाता है पीएचपी, पर्ल, रूबी, पाइथन, ये सब हमारे आ जाते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसीलिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसीलिए पाइथन भी आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें कंपाइल नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, ये था हाँ, तो पाइथन का सबसे पहला प्रोग्राम मैं आपको रन करके आज दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट, कोई भी चीज़ को हमें प्रिंट करना रहता है पाइथन में, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करना हो, कोई भी स्टेटमेंट, तो हमें प्रिंट का यूज़ किया करना पड़ता है पाइथन में, और सिर्फ ये एक लाइन में कोड आप लिख सकते हो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रिंट हेलो ब्रो, या फिर हेलो सर कर देते हैं, सही रहेगा, सर मैम, ठीक। चलिए ठीक है, ये देखिए प्रिंट हो गया, हेलो सर मैम, सिर्फ एक लाइन में आपका प्रोग्राम रन हो जा रहा है, ठीक है। टू प्लस थ्री, ये देखिए फाइव ऐड कर दिया सिर्फ आप एक लाइन में, थ्री इंटू फाइव 15, ऐसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। और बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सिर्फ कम लाइन में आप पाइथन में कुछ भी कर सकते हो। सो मैं भी आपको एडवाइस करूँगा कि आप पाइथन पढ़ो, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। तो खैर आप ये समझ गए होंगे, और पाइथन जो फाइल होता है, पाइथन का फाइल जब भी आप लिखते हो तो उसे डॉट पी वाई फाइल में सेव करोगे, ठीक है। पाइथन का एक्सटेंशन है डॉट पी वाई, जैसे कि आप कोई फाइल बना रहे हो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेरा आईडी है विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ मैं आपको एक फाइल बताता हूँ, टेस्ट डॉट पी वाई, देखिए test.py फाइल आ गया, प्रिंट हेलो, ठीक है। ठीक है, देखिए मैंने टेस्ट को .py फाइल से सेव किया है, और मैं इसे रन करूँगा, ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया है,
का जो एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई होता है, अगर आप सेव करते हो तो, आप फाइल बना रहे हो तो, या फिर और भी दो तीन एक्सटेंशन हैं, डॉट पी वाई ओ, पी वाई सी करके बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जिसे बाय डिफॉल्ट रहते हैं, तो भी वो जानने की ज़रूरी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।